Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जन्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, वैसा तो उनका दिव्य रहता है, वो कभी भी हम मना सकते हैं।
तो हमने ये अवसर यहाँ लिया है कि अभी हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि श्रीमान केशव चंद्र प्रभु आज यहाँ पे अपना संग देने यहाँ पे आए हैं, हमें मार्गदर्शन करने यहाँ पे आए हैं। तो हम बहुत आभारी है प्रभु जी के और प्रभु जी का स्वागत करेंगे तीन बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थोड़ी ही देर में अभिषेक स्टार्ट होगा, उसके पश्चात भगवान का ड्रेसिंग होते रहेगा और इन बिटवीन बच्चों ने एक अच्छा ड्रामा बिठाया है, नाटिका है होलिका के ऊपर, तो उसका प्रदर्शन होगा और उसके बाद प्रभु जी का मार्गदर्शन होगा, हमें उनका क्लास होगा, गौर कथा होगी और उसके पश्चात महाआरती होगा और प्रसादम। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम होगा आज का। तो आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम थोड़ी देर में अभिषेक शुरू करते हैं। वैसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तो हम सबको चांस नहीं मिलता है, लेकिन हम ये अगर लोकल स्तर पे करेंगे अपने सेंटर या क्लब हाउस में तो हम सबको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। तो यही एक उद्देश्य है, आप सभी को वो मौका मिलना चाहिए करके। हरे कृष्णा, थैंक यू। Thank you.
तो अलग अलग युगों में भगवान अवतार लेते रहते हैं और अलग अलग अवतारों में खासकर भी राधा गोपीनाथ मंदिर में भी जो भागवतम क्लास अभी पाठ चल रहा है दूसरी स्कंद के सातवें अध्याय, तो जिसमें अलग अलग अवतारों के बारे में एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक एक दो दो श्लोक में बता रहे हैं अलग अलग। तो अलग जैसे अभी आज सुंदर अभी हमने जो सुंदर ड्रामा देखा बच्चों का, किनका अवतार था वो? हाँ, प्रहलाद नरसिम्हदेव जी का है ना, नरसिम्हदेव जी का अवतार जो कि बहुत ही विख्यात है। हम सब बचपन में जैसे बच्चे लोग हैं सबसे पहला भजन या कीर्तन जो सीखते हैं वो नरसिम्हा के। तो जहाँ अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम में जो सबसे उच्च कोटि का जो भगवान का प्रेम है किनका है भागवत में जिसका चर्चा होता है उनका सबसे उच्च कोटि का प्रेम कहा जाता है भगवान के प्रति। हाँ, गोपियों का प्रेम है ना गोपियों का प्रेम के बारे में, गोपियों के साथ लीलाओं के बारे में। तो भागवतम में अगर हम देखें तो दशम स्कंद के जो राज पंचाध्याय में इसके बारे में चर्चा है जो कि भागवतम का सबसे उच्च जो चर्चा है व्यासदेव जी के द्वारा और सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। लेकिन इस लीला के बारे में 5 अध्यायों में चर्चा है और जबकि प्रहलाद और नरसिम्हदेव जी का ये जो कथा है जिसमें कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच में ज्यादा से ज्यादा है, बाद में जब नरसिम्हदेव जी आते हैं उसके बाद ज्यादा कथा उसके बाद में ज्यादा नहीं, और उसके बाद प्रहलाद जी के प्रार्थनाओं का चर्चा। तो प्रहलाद नरसिम्हदेव जी की जो लीला है इस पर कितना चर्चा है, कितने अध्याय है, ये 7वें स्कंद में आता है, कितना अध्याय है किसी को पता है? 10 अध्याय, कितने? 10 अध्याय है ना। यानी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए जो है ये 10 अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण समझा प्रहलाद महाराज के लीला के बारे में चर्चा, ध्रुव चरित्र के बारे में लीला का चर्चा है ना, और गोपियों के लीला के बारे में या गोपियों के साथ भगवान के रास लीला के बारे में उसके लिए सिर्फ 5 अध्याय। और हम देखते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वो भी पुरी जगन्नाथ में वो अपने पार्षदों के साथ में वहां पर लीला कर रहे थे तो उस समय में भी गदाधर पंडित के साथ में गदाधर के साथ वो हर दिन भागवत से चर्चा करते थे और उसमें उनका सो फेवरेट जो चर्चा का विषय था कौन से अध्याय का? हाँ, ध्रुव की लीला और प्रहलाद लीला है ना, बार बार 100-100 बार वो वापस वापस इस लीला को सुनते थे। क्योंकि क्या है, इन लीलाओं से जैसे अभी हमने देखा कि प्रहलाद इतने छोटे से बालक के रूप में भी उसका जो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था, तो इस प्रकार का विश्वास, दृढ़ विश्वास जो है हमें भी अपने जीवन में और अपने भगवान के प्रति हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसको प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और प्रहलाद के चरित्र में जैसे हमने देखा प्रहलाद को इतना विश्वास कैसे आया, जैसे 7वें स्कंद में जैसे चर्चा करते हैं तो बोलते हैं शुभ और अशुभ इच्छा है ना। हिरण्यकशिपु किसका रिप्रेजेंटेटिव है? अशुभ इच्छा है ना, उनकी इच्छा थी कि मुझे इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली बनना है, हाँ सबसे ताकतवर बनना है, अमर बनना है, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा से इतना तपस्या करके, इतने हजारों साल उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया। हाँ, और जबकि प्रहलाद वो शुभ इच्छा का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करता है और उसने सिर्फ कितना, उनका उम्र कितना था? 5-6 साल का उम्र था, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का इतना बहुत ही अद्भुत रूप है ना अपनाया और उसको उसकी रक्षा की। तो उसी प्रकार से भगवान जो है, जैसे हमारे शुभ विलास प्रभु ने हाल में बहुत सुंदर क्लास दिया था कि किस प्रकार भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं और खासकर अभी जो हम लोग गौर पूर्णिमा है ना, गौरंग महाप्रभु के अवतार का अभी परसों ही मनाने वाले हैं होली का,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का के पीछे क्या कारण है, हम इसको समझने के लिए इस पे थोड़ा चर्चा करें और इस पे हम थोड़ा मनन करें ना? जैसे प्रहलाद हमेशा भगवान कृष्ण के ऊपर ही ध्यान करते थे किसी भी अवस्था में, और इसी वजह से वो जो है कृष्ण गृहीतात्मा है ना, हमेशा वो भगवान कृष्ण के ही बारे में सोचते थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में भागवत में चर्चा आती है, तो इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि किस प्रकार कलयुग में भगवान जो है कृष्ण ही अवतार लेते हैं, लेकिन उनका वर्ण जो है वो अलग रहता है। कौन सा वर्ण है? गौर वर्ण कहते हैं ना, है ना? तो सुंदर श्लोक है, आप लोग भी मेरे पीछे दोहराए, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पाशनम, सांगोपांगास्त्र पाशनम, सांगोपांगास्त्र पाशनम, सांगोपांगास्त्र पाशनम, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यज्ञे संकीर्तन प्राये, यजन्ति हि सुमेधसा, यजन्ति हि सुमेधसा, यजन्ति हि सुमेधसा, यजन्ति हि सुमेधसा। तो कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण कृष्ण ही है, लेकिन उनका जो वर्ण है वो कृष्ण का वर्ण, यूजुअली कृष्ण वर्ण इज वी कॉल्ड श्याम सांवला, है ना, लेकिन यहाँ पर भगवान वो त्वषा कृष्ण, मतलब वो भगवान कृष्ण के वर्ण से अलग है ना। और वो आते हैं, जैसे भगवान भी जब भी आते हैं तो अपने अपने अलग अलग पार्षदों के साथ, है ना, जैसे बिहार में आप लोगों ने कितने लोग अभी थाना के मंदिर जो भी उद्घाटन हुआ उसमें आए थे, शामिल हुए थे, है ना, प्राय सभी लोग, है ना, आप ही लोगों के लिए सुंदर ये मंदिर की अभी स्थापना हुई है इतने सालों के बाद, इंतजार के बाद। तो हम देखते हैं जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, हाँ, जैसे हमारे पुरोहित जी पुजारी जी भी बता रहे थे, हाँ, जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो वो अकेले नहीं आता है ना, वो अपने साथियों को लेकर, मतलब अपने सेक्रेटरी, उसके सिक्योरिटी, उसके निजी दोस्त, परिवार वाले सबको लेके आता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी, भगवान तो ये तो हमारे इस भौतिक जीवन दुख के थोड़े से, हम खुद भी कहीं भी अगर जाना चाहें तो हम हमेशा सोचते हैं अरे हमारे परिवार से कोई हो या तो कम से कम कोई दोस्त हो, अकेले कोई जगह में जाना इतना पसंद नहीं करते, वहां में जाके क्या करेंगे, सिर्फ मुंह देखते रहना पड़ेगा, है ना, कोई पहचान का रहेगा तो थोड़ा बातचीत करेंगे। तो भगवान भी वो तो अखिल कुंडित ब्रह्मांड नायक है, तो वो भी हमेशा जब भी आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ में, है ना, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो अपने पंच तत्वों के साथ में और अपने अनुयायियों के साथ में आते हैं। और किसके लिए आते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, जैसे अभी हमने देखा, हाँ, यहाँ पे होलिका का दहन करने के लिए सुंदर, मतलब कितना बड़ा अग्नि का, हाँ, ये किया था। तो जैसे बता रहे थे कि अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ का प्रावधान है, इसके लिए हमारे बद्ध जीवात्माओं को किस प्रकार भगवत भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए अलग अलग यज्ञ का प्रावधान है। कौन सा? कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलोतर हरि कीर्तन, है ना, भगवान जो अलग अलग कृते सतयुग में जो है भगवान के ऊपर ध्यान करना, है ना, जैसे हाँ हिरण्यकशिपु भी ध्यान कर रहा था इतना, लेकिन भगवान पर नहीं, ब्रह्मा जी का ध्यान करके उनसे वर मांगने का प्रयास किया, है ना। और त्रेतायाम यजतो में त्रेतायाम, त्रेता युग में सही में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते, और द्वापर युग में परिचर्या, है ना, भगवान के विग्रह की सेवा, अर्ष विग्रह की पूजा सेवा वगैरह। और कलयुग में वही जो लाभ है हमें हरि कीर्तन के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम देखें शास्त्रों में वर्णन है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, हर अवतार के आविर्भाव के पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहता है, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे बोलते हैं दो प्रकार के कारण है, मतलब एक एक्सटर्नल या बाह्य कारण और एक इंटरनल अंदर से, है ना। तो बताते हैं कि
एक्सटर्नल क्या कारण था? चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का क्यों आए वो? हाँ, संकीर्तन का आनंद। अभी जैसे हमने बताया कि यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का जो है उसको स्थापना करने के लिए, उसके आंदोलन को स्थापना करने के लिए भगवान कलयुग में अवतरित हुए, क्योंकि वही इस हरिनाम संकीर्तन के जैसे पिता स्वरूप है, उन्होंने इसका प्रावधान किया। और साथ ही साथ उन्होंने दूसरा जो था कि भगवत प्रेम को प्रदान करने के लिए, है ना, जो प्रेम सिर्फ ब्रह्मा जी को भी नहीं उपलब्ध था, वो प्रेम सादे सादे बिना किसी योग्यता के भी सारे पात्र अपात्र न देखी स्थान स्थान, बिना कोई पात्रता देख करके भी वो हमें, क्यों? क्योंकि वो इतने जो कृपालु है, जब कोई व्यक्ति बहुत दयालु रहता है ना, तो देखता नहीं सामने वाले व्यक्ति का क्या जरूरत है या नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सामने वाले की काबिलियत क्या है नहीं देखते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं। तो इसीलिए वो बिना किसी पात्र, इसीलिए उनका एक नाम है प्रेम पुरुषोत्तम, चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रेम, क्योंकि वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम हम सबको प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे और उन्होंने हमें कौन सा ज्ञान प्रदान किया, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता, है ना, गीता का ज्ञान उन्होंने हम सबको दिया, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से, है ना, अर्जुन के माध्यम। तो अर्जुन वैसे तो भगवान का ही परम भक्त है, लेकिन उसको एक माध्यम निमित्त बना करके उन्होंने हम सबको बहुत सारा, तो भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे हाँ, तो उसमें अलग अलग लेवल का ज्ञान दिया गया है ना, एक बोलते हैं गुह्य ज्ञान, एक और एक गुह्यतरम ज्ञान और एक गुह्यतम ज्ञान, मतलब एकदम जो सीक्रेट मोर सीक्रेट है मोस्ट सीक्रेट। तो गुह्य ज्ञान क्या है भगवद्गीता में, कि हम जो है ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप बोलेंगे अरे ये गुह्य ज्ञान कैसे हो गया, तो ये तो सबको मालूम है, हाँ सबको मालूम है या नहीं? मालूम है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो अगर देखेंगे भले, क्योंकि संसार में अगर हम देखें भौतिक दुनिया में सारा जो भी प्रयास चल रहा है, ये सब किसके लिए चल रहा है? ये सब हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए चल रहा है ना। पूरा इतना कुछ जो भी प्रयास चल रहा है पूरी दुनिया में, अगर हम देखेंगे ज्यादातर जो है प्रयास सिर्फ बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए या बॉडी को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, उसका रख रखाव रखने के लिए, जैसे एज बढ़ता है तो कैसे उसको भाई तकलीफों से बचाए, हाँ अलग अलग इतना सारा कुछ प्रयास चल रहा है। तो लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ करता नहीं है ना, आत्मा के लिए उनका उसके पोषण के लिए कोई प्रयास या कोई मेहनत नहीं, इसीलिए ये ज्ञान को गुह्य ज्ञान बताया गया। तो इससे ऊपर जो है गुह्यतर ज्ञान जो है, ये तो गुह्य ज्ञान तो शुरू में भगवद्गीता के शुरुआत में ही भगवान अर्जुन को बताते कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा। और गुह्यतर ज्ञान जो है वो भगवद्गीता के सातवें आठवें अध्याय में भगवान बताते किस प्रकार आत्मा और परमात्मा, किस प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा से परमात्मा उसकी सोर्स है, और किस प्रकार से आत्मा को चाहिए कि परमात्मा की सेवा करे, ये गुह्यतर। लेकिन इससे भी जो सबसे गुह्यतरम ज्ञान है ना, वो ये कि जो राज विद्या राजगुह्य, किस प्रकार से आत्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए भक्ति के माध्यम से, और ये सबसे सरल तरीका है जिससे कि हम अपना भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं और भगवत धाम को, और ये जो भौतिक नश्वर स्थान है उससे बाहर निकल करके हम जो सनातन जो का दुनिया है भगवत धाम है वहां पे जा सकते हैं। तो ये जो गुह्यतम ज्ञान है, ये तीनों भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से बताया, मन्मना भव मत भक्तो मध्याचिमा नमस्कुरु, सुंदर यहाँ में हम लोगों ने अभी अभिषेक किया, आरती की, भगवान को अभी भूख लग रहा है। तो इस सरल तरीके से, सरल प्रक्रिया से किस प्रकार से हम अपने जीवन में भगवान के प्रति अपना निष्ठा, अपने भक्ति को बना सकते हैं, ये बात बताएं।
लेकिन भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान देकर के बाद में द्वापर युग के अंत में भगवत धाम वापस चले गए। उन्होंने बोला थियोरेटिकल ज्ञान तो मैंने दिया है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना ये तो नहीं बताया, है ना। अर्जुन को ये सारा ज्ञान दे दिया और अर्जुन ने अपना सेवा की और निकल गए, लेकिन भगवान के मन में चिंता है भाई आने वाले लोगों को, है ना, उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी चाहिए, है ना। कॉलेज में भी अगर आप देखें थियोरी का क्लासेस भी होता है साथ साथ प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल होना करना आवश्यक है कोई भी, चाहे साइंस के में भी हो या कॉमर्स में भी हो, हा? तो प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति जो है सही में उसको सीख सकता है या जो सीखा उसको अमल में ले आ सकता है। तो इसीलिए भगवान इस चिंता में फिर जो है भगवान कलयुग में वापस एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मतलब एक भक्त के रूप में, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है इसे छंद अवतार बना है, यानी कवर, है ना। वैसे भगवान को त्रियुगी बताते हैं, यानी तीन युगों में उन्होंने अवतार लिया, लेकिन चौथे युग में हम तो कहते हैं कलयुग में भी भगवान ने अवतार लिया लेकिन एक भक्त के रूप में, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान इस प्रकार, लेकिन ये तो एक्सटर्नल रीजन हो गए, अब इसके अलावा जो इंटरनल रीजन है, अंदरूनी कारण क्या था भगवान के अवतार होने का, भाव समझने के लिए, बहुत सुंदर है ना। श्रीमती राधा रानी का क्या प्रेम भाव था, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अलग अलग अवतारों में भगवान जो है अलग अलग उद्देश्य से वो अवतार लेते हैं, अलग अलग इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रेम कर रही है और उसको कृष्ण देखते हैं कि उनसे भी ज्यादा आनंद आ रहा है, भगवान का जो आनंद आता है भगवान तो भोगता है, भोगता हम सब यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, लेकिन भगवान देख रहे हैं अरे मेरे जो सेवक है सबसे प्रधान सेविका श्रीमती राधा रानी और उसको मुझसे भी ज्यादा आनंद आ रहा है, तो वो क्या है भाई, मुझे वो भी टेस्ट करना है। तो इस प्रकार की इच्छा के कारण जो है भगवान जो है चाहते थे कि मैं इस रूप माधुरी का आस्वादन करूं और साथ साथ राधा रानी को किस प्रकार यह आनंद आ रहा है मुझे उसका आनंद वो अनुभव करना है। तो इस उद्देश्य से भगवान जो है फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और हम सबको भक्ति किस प्रकार से पालन करना वो भी सिखाते हैं और साथ साथ वो इस महाभाव का अनुभव भी करते हैं। तो शुभ विलासपुर वो भी हाल में दो दिन पहले सुंदर कथा बता रहे थे कि ये भगवान ने गौरंग रूप क्यों धारण किया, है ना, ये मतलब यही रूप क्यों धारण किया। तो अलग अलग कारण जो बताते हैं, अलग अलग अवतारों में भगवान जो है, जैसे भगवान विष्णु को इच्छा थी अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, है ना, भगवान जो बोलते हैं हम षड उनके ऐश्वर्य है ना, उसमें एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे शक्तिमान है, लेकिन इतना सारा शक्ति है लेकिन वो शक्ति का कुछ जब तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता है ना आनंद। अगर आपके पास में कुछ आपका आपके पास में कुछ है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा। बहुत बार बम्बई में हम लोग मंदिर में बहुत सारे ऐसे बम्बई में अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत ऐसे गाड़ी हैं जो कि शायद 200-300 किलोमीटर के स्पीड में जा सके, लेकिन बम्बई का रास्ता कैसा है, हाँ 20 किलोमीटर में भी नहीं जा सकते, हाँ अभी स्टेशन से इधर आने के लिए ही कितना आधा घंटा लग जाता है, है ना, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक इतना है। तो बहुत सारे लोग जो है हम लोग मंदिर में उधर में सोते हैं तो रात को जो है करके आवाज आती है, कौन, कोई तो अपना गाड़ी लेकर के तेजी से चला करके जा रहा है, क्यों, तो रात के समय ही एक समय है रात को 2-3 बजे, हाँ जब मुंबई के रास्ते खाली रहते हैं, तो गाड़ी तो लेके रखा है करोड़ों का लेकिन जाता है वो 20-30 किलोमीटर के स्पीड में। तो इस प्रकार से वस्तु लेके रखी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसका पोटेंशियल नहीं है हम ये, तो भगवान के पास भी इतना शक्ति है लेकिन उस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए तो फिर क्या करते हो, इच्छा है उनकी, उनका लोग तो वो जय विजय के माध्यम से, क्योंकि भगवान के साथ लड़ाई भी करना है तो उनके ही भक्त उनके साथ शक्तिशाली उतने ही हो सकते हैं, तो इसलिए जय विजय को फिर
एक लीला के माध्यम से उनको श्रापित करते हैं और उनको फिर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में और फिर और कौन सा रावण और दंतवक्र और शिशुपाल और ये सब अलग अलग रूप में आते हैं और फिर भगवान उनके साथ लड़ाई करके या उनके साथ वो वीर रस का अनुभव करते हैं। और वैसे ही नरसिम्ह देव जो है जब वो आते हैं तो उनको प्रहलाद महाराज को देख करके जैसे उनका उनके कि अरे भाई मुझे जो है वात्सल्य रस का अनुभव नहीं है, क्योंकि नरसिम्ह देव के माता पिता कौन थे, कौन थे, हाँ पिलर था है ना, स्तंभ, लेकिन स्तंभ के साथ कैसे आदान प्रदान करें। तो इसीलिए फिर नरसिम्हदेव ने इच्छा की। तो फिर उसके बाद में फिर जब राम अवतार हुआ या अन्य कृष्ण अवतार, तो इस समय भगवान जो है माता पिता के साथ आते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण जब राधा रानी के साथ अलग अलग लीलाएं किए, तो राम लीला में उन्होंने अपने पत्नी सीता देवी के साथ विरह का अनुभव किया, लेकिन वो सिर्फ एक ही रस था। लेकिन श्रीमती राधा रानी के साथ जो अलग अलग लीलाएं की, उसमें उन्हें अलग अलग विरह में भी अलग अलग लीलाएं मान लीला ये सब का उन्होंने उसमें अनुभव किया। और उसी प्रकार से जब कृष्ण के जो सर्वोत्तम जो इच्छा थी कि मैं राधा रानी का राधा भाव का मैं आनंद लूं, उस राधा रानी के प्रेम का आनंद लूं, तो इसीलिए फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो एक कथा बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, संक्षिप्त में बताता हूं, समय हो गया 8:50 तो 8 मिनट है। तो एक बार भगवान श्री राधा रानी और कृष्ण जो है वो कुंजों में अलग अलग लीलाएं कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ में बहुत सुंदर उन्होंने सजाया था कुंज में, कुंज यानी बहुत अच्छा सुंदर फॉरेस्ट, अलग अलग झाड़ी पेड़ सब पौधे सुंदर फूल, जैसे अभी हाल में आपने बालकों मंदिर के उद्घाटन के समय देखा होगा सुंदर वहां पे डेकोरेशन किया था, है ना, लॉन में अलग अलग लताएं ऐसे हाँ उसमें सुंदर सुंदर फूल और है ना, भले ही वो सब 2 दिन के लिए था है ना, लेकिन ब्रज में जब गोपियां सब मिल करके इस प्रकार से सखियां सब मिल करके अरेंजमेंट करती हैं तो वो ऐसे आर्टिफिशियल नहीं रहता, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप कृत्रिम रूप से करना पड़ता है 1-2 दिन के लिए, हाँ लेकिन उससे क्या है जो सुंदर माहौल तैयार होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने भी झूला और ये सब व्यवस्था की थी सुंदर, अभी जैसे हाँ भगवान के प्रतिष्ठा के लिए सुंदर वहां पे बिस्तर बनाए थे, है ना, और बिस्तर बनाकर कितने मैंने देखा था उस दिन आदिवास, है ना, आप लोगों ने देखा होगा सुंदर सजावट, सुंदर खुशबूदार फूल के साथ और अलग, और उनके पलंग पर भी सुंदर पुष्पों के साथ सजा करके, तो इस प्रकार से सारी सखियां भी जो है ऐसे सब बनाए करके अरेंजमेंट किया था, लेकिन सब इंतजार कर रहे कृष्ण आए नहीं, अभी आए नहीं, आए नहीं, बहुत समय तक चिंता करते रहे, हाँ तो इंतजार करते करते इंतजार में फिर क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा व्यक्ति जो है थोड़ा मायूस हो जाता है, और लेकिन उसके बाद क्या होता है हाँ फिर क्रोध आता है ना, इतना देर लेट करा दिया, हाँ इतना समय निकला जा रहा है जिसके लिए भी अरेंजमेंट किया था वो सारा जय श्री जी गौर नेता है भगवान की, तो इतना इंतजार करा दिया अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए, तब तक फिर श्रीमती राधा रानी की जो सखियां थी उन लोगों ने सबने पता किया, उनके जो प्रिंसिपल सखी कौन कौन है ललिता देवी और विशाखा देवी, है ना, तो उन लोगों ने भी अपने जो उनके मैसेंजर है उनसे पता लगाया भाई क्यों है कहाँ है किधर कृष्ण, तो जब वो पता करने के लिए ऐसे मालूम किए तो उनको मालूम पड़ा कि भगवान जो कृष्ण है वो चंद्रावली के साथ में उनके साथ में कुछ विलास कर रहे हैं। तो राधा रानी एक तरफ की गोपियां हैं जो गोपी हैं और दूसरे तरफ चंद्रावली, तो जब ये खबर मिली है तो ललिता देवी और विशाखा देवी उन्होंने तो और क्रोध आ गया, अरे इधर हम सब इंतजार कर रहे हैं भगवान कृष्ण के आने के लिए और सारा तैयारी किया है और कृष्ण कहीं और दूसरे किसी गोपी के साथ में समय बिता रहे, तो बहुत क्रोध आ गया। और फिर श्रीमती राधा रानी भी को जब उन लोगों ने जाके
खबर दी तो राधा रानी भी जो है वो बहुत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्से में। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि अरे भाई अब अगर कृष्ण अगर इधर आएंगे ना तो उसको अंदर में मत लेना है ना। तो इस प्रकार का मान लीला हो गया, मान लीला क्रोध में फिर मान। तो फिर विशाखा देवी और ललिता वो दोनों ही मेन गार्ड थे, तो उन्होंने वो निश्चय कर लिया कृष्ण अगर इस तरफ आएंगे तो उनको तो अंदर लेना ही नहीं है ना। और वैसे ही हुआ, थोड़े समय में कृष्ण जो है भागते भागते आ गए और फिर इन दोनों ने रास्ता रोक दिया कि भाई अभी तो आपको अंदर अनुमति नहीं है, आप किधर थे, इतना समय कैसे का है, इतने लेट कैसे हो गए, क्या हो गया। ऐसा उनके साथ इंटरोगेशन चालू हो गए। और फिर जो है भगवान कृष्ण जो है उनसे मनाने लगे, बोले कि नहीं भाई गलती हो गई, थोड़ा लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा सब। उनको भी मालूम था क्योंकि मैं गलत जगह पे था, तो इसीलिए उनके उनका जो क्या बोलेंगे उनके अंदर है ना, गलत करता है तो आदमी कैसे ये गिल्टी फीलिंग है ना, गिल्टी फीलिंग। तो फिर तो लेकिन विशाखा देवी ने ललिता देवी दोनों ललिता देवी और विशाखा देवी में कैसा है कि ललिता देवी जो है बहुत ही स्ट्रांग है ना, बहुत ही असर्टिव है और वो उम्र में बड़े हैं राधा रानी और कृष्ण से भी, तो वो और वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आपको तो अनुमति मिलेगा ही नहीं अंदर जाने का। लेकिन तब तक विशाखा देवी गई उनको और राधा रानी को बताने के लिए गई, लेकिन राधा रानी इतने पूरे डिप्रेस मूड में थी, लेकिन साथ साथ उनका ऐसा भाव था कि मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भी जो है नम्रता के पर्सोनिफिकेशन। तो ये सारी लीला कथा को छोटा करते हुए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण जब बाहर में थे तभी तक उन्होंने कहा कि अभी आपको तो अनुमति नहीं है, तो इसीलिए कृष्ण जो है वो भी दुखी होकर के फिर पूर्णमासी के पास जाते हैं। जो पूर्णमासी हैं वो ही सारे लीलाओं का जो है वो इवेंट मैनेजर है, जैसे इधर में भी पूरा इवेंट का पूरा मैनेज करने के लिए एक है ना, जो सारे सिस्टम गीतकार और सारे डेकोरेशन सब कुछ। तो पूर्णमासी और फिर वृंदा देवी उन दोनों ने मिल करके बताया कि देखो कृष्ण इस बार आपने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है ना, अभी तो श्रीमती राधा रानी आपसे इतने क्रोधित हैं कि अभी आपसे आपको तो वो मिलना ही नहीं चाहती। आपके आपके इस रूप में अगर आप जाओगे, आपके श्यामले रूप पे, आपके पूरे घने केश के साथ, बांसुरी के साथ और दुर्भंग रूप में आप जाएंगे तो आपको तो वो आपके तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, तो इसीलिए आपको अपना रूप जो है बदल के जाना पड़ेगा। तो कैसा रूप कैसे बदले, बोले आपको तो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपके सारे केश को आपको निकाल देने पड़ेंगे, मतलब टकला बनना पड़ेगा, और फिर आपके जो पीत वस्त्र हैं ये सबको त्याग करके आपको जो है गेरुआ वस्त्र, एक सन्यासी का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। फिर हाथ में आपके बांसुरी है उसको छोड़ दो और आप एक सन्यासी का डंडा ले दो और हाथ में कमंडलू ले दो ना, ऐसे पूरा आप जब वेश बदल के अगर आप जाओगे तो ही आपको श्रीमती राधा रानी का से भेंट होने का संभावना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब सुना तो तुरंत ही उन्होंने कौन सा रूप धारण किया, श्रीमान गौरांग महाप्रभु का रूप धारण किया है ना। और इस रूप को देख करके और फिर पूर्णमासी जी ने उनको एक सुंदर एक गीत भी सुनाया कि ये गीत आप गाना, तो वो वाला गीत। और वो गाते गाते जब वो गए तो ललिता विशाखा देवी ने जब ये गीत सुना कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम के विरह में या उसके भीख मांगते मांगते एक भिक्षुक बन गए है ना, भिक्षुक यानी कमंडलू लेकर के डंडा लेके भीख मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से और इसको सुन करके ललिता और विशाखा देवी बहुत जो है आकर्षित हो जाती है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सर्व आकर्षक नहीं, तो किसी भी रूप में हो सभी को मन मोह लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर ललिता और विशाखा देवी ने सोचा कि ठीक है चलो इनका जो है इनको देख के लगता है कि ये तो बहुत ही बड़े सन्यासी हैं, बहुत ही विद्वान लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि अभी हमारी जो श्रीमती राधा रानी है वो इतने दुखी अवस्था में है तो उनका दुख कैसे दूर हो
क्योंकि श्रीमती राधा रानी भी भगवान कृष्ण के विरह में ही है, भले ही वो क्रोध में है, वो नहीं मिलना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भगवान कृष्ण से मिलना भी चाहती है। तो इसका कैसे निवारण किया जाए, तो शायद ये सन्यासी ही बता दे, तो इसीलिए वो भगवान श्रीमती राधा रानी के पास देखे जाते हैं। और वो पूछती भी है, अच्छा आप ज्योतिष शास्त्र वगैरह जानते हो, हाथ वाथ देख करके आप बता सकते हो कि कैसे उनका दुख दूर हो सकता है। वो बोले कृष्ण तो तुरंत बोले हाँ मेरे को सब आता है बताऊंगा। तो फिर जो ललिता और विशाखा देवी हैं द्वारा इन सन्यासी को लेके जाते हैं और श्रीमती राधा रानी से भेंट कराते हैं। तो लेकिन राधा रानी जो है उनके सामने तो पर्दा है, तो राधा रानी के पास में गए लेकिन उनका मुख का दर्शन नहीं हो रहा। तो तब तक और ये गीत को सुन करके जो है चैतन्य महाप्रभु उस समय में यही गीत गा रहे थे कि जो कैसे कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम के विरह में वो एक भिक्षुक बन गए। तो इसको सुन करके फिर जो है श्रीमती राधा रानी के हृदय से एक सुंदर श्लोक निकलता है जो कि शिक्षाष्टकम के आठवां श्लोक है। कौन सा है लास्ट श्लोक शिक्षाष्टकम का? आश्लेषवा पादरताम पिनश्मा अदर्शना मर्महताम करोतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाप। यानी कि श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि आश्लेष्य वा पादरताम पिनश्मा, मतलब भगवान जो है वो मेरे सर्वोपरि मालिक है, वो चाहे मुझे अपनाए या मुझे ठुकरा दे, किसी भी अवस्था में वो हमेशा मेरे नाथ हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के अंदर में भी इस भावना से वो प्रार्थना करती हैं। तो इस को सुन करके फिर जो है चैतन्य महाप्रभु, मतलब वो तो रह नहीं पाए, तब तक उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप इनका हाथ की रेखा देख करके बताइए कैसे इनका जो तकलीफ है, पीड़ा है, इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर होगा। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो कृष्ण मतलब गौरांग महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं, मैं स्त्री का पर हाथ नहीं पकड़ सकता। तो फिर क्या करें, बोले हाथ देखने की जरूरत नहीं, अगर उनका चेहरा दिखाएंगे तो उनके चेहरे को पढ़ करके मैं बता सकता हूँ, है ना इस प्रकार। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो संभव नहीं, क्योंकि राधा रानी तो सिर्फ अपना चेहरा कृष्ण को ही दिखाती और किसी को नहीं दिखाती। तो उन्होंने कहा नहीं 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 इसमें क्या है, मैं तो सन्यासी हूं, मैं सब कुछ त्याग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बाद में फिर जब श्रीमती राधा रानी अपने जो पर्दा है उसको निकालती है और भगवान कृष्ण उनका मुख का दर्शन करते हैं, तो तुरंत क्या होता है जो उनका गौरांग महाप्रभु का जो रूप है वो बदल जाता है। किस रूप में? कृष्ण के त्रिभंग रूप में, है ना। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के मुख के सामने में भगवान कोई भी आवरण नहीं कर पा सकते, है ना। तो इसीलिए जो है इस प्रकार, और इसी लीला को याद करते हुए इसको देख करके तुरंत वहां में ललिता और विशाखा जो खड़ी थी तो वो दोनों भी मूर्छित होकर गिर जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये अचानक ये हमने सोचा ये बार कोई सन्यासी है और वो अभी भगवान कृष्ण के रूप में आ गए। और यही जो है जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी आपने देखा होगा जो अलग अलग तस्वीरें हैं उसमें से एक तस्वीर है रामानंद राय का, भगवान गौरांग महाप्रभु जिसे अंतर कृष्ण बहिर गौर, है ना। इसका जो दर्शन है, अगली बार आप जब भी मंदिर आएंगे तो आप जरूर इसका दर्शन कीजिएगा, कैसे रामानंद राय को भगवान कृष्ण का गौरांग महाप्रभु, जब कोऊर में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से मिलने जाते हैं तो उस समय उन्होंने भगवान रामानंद राय जी को भगवान कृष्ण का दर्शन दिया। तो अंतर कृष्ण बहिर गौर, तो यही रूप का, क्योंकि रामानंद राय जी स्वयं कौन है, वो भी विशाखा देवी जी के विस्तार रूप है। तो वही विशाखा देवी को भगवान कृष्ण का यह अद्भुत रूप उनका दर्शन लिया तो उन्होंने भी मूर्छित होकर गिर गए। उसी प्रकार से यहाँ रामानंद राय जी भी जब गौरांग महाप्रभु को कृष्ण के वर्ण में जो देखते हैं तो वो भी वापस फिर एक बार मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है खासकर इस कलयुग में अवतरित हुए हैं कि वो
जो भगवान श्रीमती राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो हम सबको उपलब्ध करके देने के लिए, वो भी बहुत ही सरल माध्यम से, इस माध्यम से हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। कली काले बताते हैं नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतार हुए हैं और कहीं भी किसी भी अवस्था में है ना वो हमारे साथ संग देने के लिए उपलब्ध है। तो हमें इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है और अपने जीवन में जितने भी हमारे जो दुख दर्द हैं इसका निवारण करने के लिए और अपने जीवन को सफल करके भगवत धाम वापस जाने का ये जो सुनहरा मौका है, खासकर अभी माने बालकुंभ में अभी राधा गोविंद देव जी का आविर्भाव हो चुका है, तो अभी हम सबको और गहरा और एक बहुत घनिष्ठ संबंध अभी स्थापित हो गया है ना। सबको बहुत सारे भक्तों को यहाँ में ब्राह्मण दीक्षा भी मिला है और बहुत ही नजदीक, अभी आप लोगों को राधा गोपीनाथ मंदिर में तो आना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आना है, लेकिन यहाँ पास में भी आपको जो है हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में दो तीन बार तो आप आ ही सकते हैं मंदिर में आकर के, है ना। गोविंद देव के साथ में भी जो है सेवा का एक संबंध है ना, भगवान के साथ जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सेवा के माध्यम से ही प्रेम का संबंध बढ़ता है ना, वो तो हम अपने परिवार में घर में सब जगह वही देखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेवा के अलग अलग जो है अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसमें आप लोग भाग लेकर के और इस सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर यहाँ, इसके माध्यम से और अन्य थाना के जितने भी रहवासी हैं उन सबको हम कृष्ण भावनामृत के साथ जोड़ सकते हैं और उन सबको भी इस ये जो जैसे प्रभुपाद जी के कृपा से हम सबको ये सब ज्ञान मिला है ना, अदरवाइज हम किधर होते थे हमें भी मालूम नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना त्याग किया, इतना मेहनत, इतना तकलीफ सहा, तब जाकर के उन्होंने हम सबको ये सब कुछ सुंदर चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के माध्यम से हमको और ये सुंदर इस्कॉन संस्था के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके परम उनके ग्रैंड डिसाइपल्स के माध्यम से हम सबको प्रदान किया है। तो हम ये चाहिए कि हम इसको पूरे गंभीरता के साथ और सिंसियरिटी के साथ स्वीकार करें अपने जीवन में और साथ साथ दूसरों के साथ इसको हम शेयर करें, उनके साथ इसको बांटें और हमें भी इसका लाभ पूरा प्राप्त हो। तो इसी निवेदन के साथ मैं आज के इस चर्चा को विराम करना देना चाहता हूँ। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण जय। तो परसों ही गौर पूर्णिमा का उत्सव यहाँ थाने में भी मनाया जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोग्राम का स्केड्यूल सब मिल जाएगा, मोस्टली कल के दिन में ऐसे ऑलरेडी आ गया है या नहीं आया, अभी तक आया नहीं, आ जाएगा तो यहाँ पर भी आप भाग लें और साथ साथ चौपाटी में भी राधा गोपीनाथ मंदिर में भी आप लोग आए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर गौर कथा की प्रभु जी ने और हमें अच्छा मार्गदर्शन किया कि हमें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में हमें क्या सीख मिली है, हमें क्या करना है, सिर्फ हरिनाम का जप करना है और हमारा जीवन सार्थक करना है। तो इसी के साथ प्रभु जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ आके गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन किया और हमें अच्छा मार्गदर्शन भी दिया। तो हम केशवचंद्र प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और भविष्य में ऐसे हमें मार्गदर्शन करने आते रहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। तो अभी इसके बाद भगवान का आरती होगा, अभी ड्रेसिंग सुंदर ड्रेसिंग हुआ है, भगवान वहां पे ऑल्टर में आ गए हैं, अभी भगवान का आरती होगा, उसके तत्पश्चात आप दर्शन ले सकते हैं और उसके तत्पश्चात हम प्रसाद लेंगे। तो अभी आरती हो जाएगी, हरे कृष्ण।